हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास फोर सब्जेक्ट्स एसएसटी। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 और इसमें हम लोग को पढ़ना है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, कोस्टल प्लेन जो कि समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं और आइलैंड और टापू, इसके बारे में। तो कोस्टल प्लेन क्या होता है इसको आप देखेंगे। द कोस्टल प्लेन्स आर सिचुएटेड इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथर्न प्लेटू रीजन। ये कोस्टल एरिया, ये जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में दक्षिणी भाग पठार के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में स्थित है। इंडिया है जो वास्ट कोस्ट लाइन ऑफ 6,000 किलोमीटर, हमारे भारत का ज़्यादा कोस्टल लाइन जो क्षेत्र है ये 6,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ इन द नॉर्थ ईस्ट। और ये कहाँ तक है कि गल्फ ऑफ कच्छ तक नॉर्थ वेस्ट में फैला हुआ, ये कहाँ, फिर टू द अरबियन सी इन द साउथ, अरबियन सी तक दक्षिण में फैला हुआ ये गल्फ स्ट्रेच कच्छ है। फ्रॉम कन्याकुमारी इट मूव्स नॉर्थवर्ड्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल टू रीच वेस्ट बंगाल। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये कन्याकुमारी से यह घूमते हुए नॉर्थवार्ड की तरफ बे ऑफ बंगाल में जाती हुई वेस्ट बंगाल में पहुंच जाती है। ऐसा इसका क्षेत्र है। द कोस्टल प्लेन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। उस कोस्टल प्लेन्स को दो भागों में बांटा गया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये दो भागों में उस प्लेन्स को बांटा गया है। द कोस्टल प्लेन्स मीट एट द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन पेंसुला। कोस्टल प्लेन्स वो जो कहाँ मिलते हैं, साउथर्न मोस्ट उसके टिप पे, साउथर्न दक्षिणी भाग के इन भारत के, जिसको कि पेंसुला, इंडियन पेंसुला में, एट कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का नाम आप नाम आप लोग सुने होंगे। द कैपिटल सॉरी द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर इम्पोर्टेंट फॉर बोथ आइलैंड एंड फॉरेन ट्रेड बिकॉज ऑफ द पोर्ट्स सेट अप देयर। देखिए कोस्टल प्लेन्स जो है भारत का, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आइलैंड एंड फॉरेन, क्योंकि वहाँ के जो इसलिए महत्वपूर्ण है कि फॉरेन विदेशी लोगों का व्यापार होता है, आइलैंड का व्यापार होता है, क्योंकि पोर्ट सेटअप दियर, वहाँ पे पोर्ट जो हैं सेटअप हैं, जो पोर्ट्स होते हैं बंदरगाह। फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन दिस एरिया। तो वैसे क्षेत्रों के लोगों का मुख्य धंधा है, पेशा है मछली मारना, मछली पकड़ना। एंड देयर आर ऑल्सो मैनी सी साइड होलीडे रिसोर्ट्स फॉर टूरिस्ट। और वहाँ बहुत से समुद्र हैं उसके अगल बगल, जो कि हॉलीडे के दिन टूरिस्ट लोग वहाँ घूमने फिरने के लिए, आनंद लेने के लिए आते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को तीन भागों में बांटा गया है। द नॉर्दर्न पार्ट इज द कथियावार कोस्ट। एक नॉर्दर्न पार्ट जो है काठियावाड़ कोस्ट, मिडल कोस्ट कॉल्ड कोंकण कोस्ट,
एंड द साउथर्न पार्ट इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट। तो ये तीन भागों में उनको बांटा गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को। तो कोंकण कोस्ट इज वेरी नैरो एंड रॉकी। कोंकण कोस्ट जो होता है, ये कोंकण समुद्र तटीय क्षेत्र बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही संकीर्ण हैं, नैरो में हैं, चट्टानी हैं। लाइट हाउसेज हैव बीन बल्ड टू वार्म द शिप अगेंस्ट रॉक इन वाटर। घरों के लाइट प्रकाश बनाए जाते हैं वार्म इन शिप, जहाज़ों को गर्म रखते हैं अगेंस्ट रॉक्स इन वाटर, पानी में जो चट्टान है उसके अगेंस्ट में, विरोध में। मुंबई द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई जो है कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, भारत का एक कमर्शियल सिटी है, राजधानी है। इज लोकेटेड ऑन दिस कोस्ट। बम्बई भी उसी कोस्ट पे स्थित है। आप जानते होंगे कि बम्बई समुद्र तटीय क्षेत्रों पर स्थित है। मेनी आयल वेल्स हैव बीन डग नियर द मुंबई कोस्ट। बहुत से तेलों के कुआं हैं वहाँ पे, जो मुंबई के नज़दीक में है, मुंबई कोस्ट पे हैं। द मालाबार कोस्ट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ लैगून। मालाबार कोस्ट लैगून की संख्या बहुत है। लैगून्स आर स्मॉल एंड शैलो साल्ट वाटर लेक और पॉन्ड दैट कट देमसेल्फ ऑफ फ्रॉम वन अनदर थ्रू कैनाल। तो लैगून एक छोटे छोटे बहुत शैलो होते हैं, जो कि साल्टी, उसके पानी नमकीन, तालाबों जैसे वे हो जाते हैं छोटे छोटे, जो कि एक दूसरे के द्वारा कैनाल से जुड़े हुए रहते हैं। दिस कैनाल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गोड। तो वो कैनाल्स का काम है कि सामानों को ट्रांसपोर्ट करना, ले जाना और ले आने का काम भी किया जा सकता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज ए वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड लाइंग बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का क्षेत्र जो है बहुत चौड़ा, काफ़ी फैला हुआ भूमि है। ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में स्थित है। इट स्ट्रेच है फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ। या इसके क्षेत्रफल जो फैला हुआ है वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ में वेस्ट बंगाल से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला हुआ। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू टू प्लेन पार्ट। इसको भी समतल भूमि में दो भागों में बांटा गया है, एक द नदन सर्कियर इन द नदन पार्ट बिटवीन महानदी एंड कृष्णा रिवर। ये नदन सर्कियर जो है, इसका भाग जो है महानदी एंड कृष्णा नदी के बीच में स्थित है। और दूसरा है द कोरोमंडल कोस्ट इन द साउथर्न पार्ट बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी रिवर। ये कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में साउथर्न पार्ट में स्थित है। कावेरी डेल्टा इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ साउथ इंडियन। कावेरी डेल्टा को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडियन के नाम से जानते हैं। विशाखापट्टनम एंड चेन्नई आर टू वेल नॉन सी पोर्ट्स एंड सिटीज ऑफ द ईस्टर्न प्लेन्स। विशाखापट्टनम हुआ, चेन्नई हुआ, ये दो एक अच्छी सी पोर्ट्स हैं, वहाँ पे अच्छे शहर भी हैं ईस्टर्न प्लेन्स के। द अदर इम्पोर्टेंट सिटीज आर भुवनेश्वर एंड कटक। और वहाँ की दूसरे शहर जो हैं
अच्छे शहर जो बड़े शहर भुवनेश्वर और कटक है, इजलैंड ऑफ इंडिया भारत के इजलैंड, एन इजलैंड इज ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। इजलैंड वही होता है, एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा, छोटा सा जगह जो कि पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। आवर कंट्री हैज मैनी इजलैंड, हमारे देश में बहुत से इजलैंड है, जिसको कि हिंदी में उसको हम लोग टापू बोलते हैं। द टू ग्रुप्स ऑफ इजलैंड ऑफ आवर कंट्री आर अंडमान एंड निकोबार इजलैंड एंड लक्षद्वीप इजलैंड। तो द टू ग्रुप्स ऑफ इजलैंड, हमारे देश में इजलैंड को दो ग्रुपों में बांटा गया है, अंडमान एंड निकोबार इजलैंड एंड लक्षद्वीप इजलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार इजलैंड, द अंडमान एंड निकोबार इजलैंड आर ए ग्रुप ऑफ अबाउट 300 इजलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार इजलैंड के समूह में 300, लगभग 300 इजलैंड है। दिस इजलैंड इज यूनियन टेरेटरीज, इट्स कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर। इन सभी के राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। ओनली ए फ्यू ऑफ पार्ट्स आर इनहैबिटेड बाय द पीपल एंड मोस्ट ऑफ देम आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। यहाँ का अधिकांशतः भाग जो होते हैं जंगलों से काफ़ी ढका हुआ है। द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ अंडमान एंड निकोबार इजलैंड इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। तो दक्षिणी भाग अंडमान निको का तो दक्षिणी भाग है इजलैंड का, उसको इंदिरा पॉइंट्स कहते हैं। तो इस लेसन में आज हम लोग इतना ही तक। अब इस लेसन का बचा हुआ शेष जो है अगले दिन होगा, तब तक के लिए थैंक यू।